नमस्कार, कैसे हो यार तुम लोग? क्या चल रहा है लाइफ में? इस टाइप का एक वीडियो बनाने की मेरी बहुत समय से इच्छा थी। मुझे मालूम है कि किसी ने भी मांगा नहीं है मुझसे वीडियो, बट आई वॉन्टेड टू मेक वन। तो वेलकम टू माई फर्स्ट व्हाट्स इन माई कैमरा बैग वीडियो। तो कैमरा बैग वीडियो शुरू करने से सबसे पहले हम बात करेंगे कैमरा बैग इट्सेल्फ की। तो ये जो बैग है, ये वैनगार्ड का वीओ 49BF है, विच मीन्स कि ये 49 लीटर्स का बैग पैक है। एंड आई रियली रिकमेंड इट टू पीपल जिनके पास ज़्यादा गेयर है या फिर बड़े इक्विपमेंट्स हैं बेसिकली। एंड क्योंकि मैं भी काफ़ी लंबा हूँ, तो मेरे ऊपर ये इतना ज़्यादा ओवर एक्स्ट्रा लार्ज नहीं लगता है, तो इट वर्कड आउट वेल फॉर मी। इसके छोटे वर्जन्स भी आते हैं, यू गाइस कैन चेक इट आउट। एंड मैं दो ट्राईपॉड्स यूज़ करता हूँ बेसिकली। तो सबसे पहले मैं इनके बारे में बात कर लेता हूँ ताकि इनको फिर अपन अलग रख सकें। तो एक तो ये जोबी का गोरिल्ला पॉड है, ये 5K नाम का गोरिल्ला पॉड है बेसिकली। आई थिंक शायद इनका टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है ये। मैंने इसका वीडियो हेड नहीं परचेज किया था क्योंकि मेरे को केवल ब्लॉगिंग पर्पज से चाहिए था। इसके अलावा मैं यूजुअली आजकल ये वाला ट्राईपॉड यूज़ कर रहा हूँ। मतलब ये बैक की वाली स्लीव में मैं जनरली ट्राईपॉड रख रहा हूँ, और गोरिल्ला पॉड को मैं कार में डाल लेता हूँ या फिर मैं उसको, इसका जो बैग आया था साथ में, मैं उसमें रख लेता हूँ जनरली, क्योंकि मैं ट्राईपॉड को ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। तो ये ट्राईपॉड है मैनफ्रोटो का एलिमेंट्स, एंड ये बेसिकली ट्रैवल ट्राईपॉड है। एंड ये मेटल का कंस्ट्रक्शन है, कार्बन फाइबर नहीं है, मगर इट गेट्स द जॉब डन। एंड स्टिल 1.5 किलो का ही है, तो इट्स रियली रियली नाइस एंड हैंडी। तो दोनों ट्राईपॉड्स को जो है फॉर द मोमेंट अलग कर देते हैं। तो इसको खोलते हैं और मैं दिखाता हूँ कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें रखता हूँ और कैसे रखता हूँ बेसिकली। तो इसमें यहाँ पर ये दो क्लिप्स हैं चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से टाई अप करने के लिए एंड थोड़ा सा सेफ्टी एड ऑन करने के लिए। साथ ही में आप ट्राईपॉड्स वगैरह को उनमें फंसा सकते हो। एंड ये स्लीव के साथ में इस क्लिप को लगा दो तो काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है गोरिल्ला पॉड या ट्राईपॉड, जो भी आप रखना चाहो। ऑलराइट गाइस, तो ये है मेरा सेटअप बेसिकली। एंड ये जो दो लंबे वाले कंपार्टमेंट्स हैं, इसको मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली अपना कैमरा बॉडी रखने के लिए यहाँ पर। तो फिलहाल R5 पर तो वीडियो फिल्म हो रहा है, इसलिए मैंने अपना पुराना कैमरा इसमें रख लिया है, विच इज़ द निकॉन D5200। तो यहाँ पे यूजुअली ये R5 जाता है जो भी इस समय फिल्म कर रहा है। ऑलराइट, एंड मेरे पास दो लेंसेज हैं बेसिकली। जो लेंस पे अभी ये वीडियो चल रहा है वो है RF 1535 F2.8L, एंड ये है मेरा EF 85 1.4L बेसिकली। एंड इसमें मैंने ये अडेप्टर यूज़ किया है जो मेरे को R5 लेते समय फ्री मिला था, तो देट वॉज़ वेरी हैंडी क्योंकि RF टू EF कन्वर्ट करना पड़ता है इस लेंस को यूज़ करने के लिए। एंड ये है मेरा GoPro Hero Black 9 बेसिकली। एंड इसके मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैटरी है जो कि ये उड़ के गिर गई यहाँ पे। दिस इज़ द हीरो 9, एंड उसका चार्जर जो मैंने अलग से लिया है, एंड ऑफकोर्स दो बैटरीज हैं तो दो उनको चार्ज करने के लिए काफ़ी हैंडी है। उसके लिए एक केबल यहाँ पर रहती है, एक केबल मैं अंदर भी रखता हूँ जस्ट इन केस। एंड GoPro की कुछ एक्सेसरीज रहती है मेरे बैग में ऑल द टाइम, क्योंकि मैं POV काफ़ी फिल्म करता हूँ, और मेरा जो मेन व्लॉगिंग कैमरा हो जाता है लैंडस्केप लेते समय वो GoPro ही हो जाता है बेसिकली। तो आई हैव अ GoPro चेस्टी, आई थिंक ये वर्जन 1 है, एंड आई गॉट अ रियली गुड डील ऑन इट। मतलब वैसे ये शायद 3-4 हज़ार कुछ का आता है, पर जब मैंने ये लिया था तो मुझे 700 रुपये में मिल गया था ये अमेज़ॉन पे। एंड उसके बाद मैंने जाके देखा तो इसकी प्राइसेस वापस फुल हो गई थी, तो आई गॉट वेरी लकी परचेजिंग दिस वन, अदरवाइज मुझे फिर लोकल कोई सा लेना पड़ता। एंड आई हैव फ्यू मोर एक्सेसरीज GoPro की, लेट मी शो। एक तो ये है, कैप माउंट है बेसिकली, इसको कभी कभार मैं मुंह में भी फंसा लेता हूँ जब मैं कार का ड्राइविंग POV फिल्म करता हूँ। अभी तक तुम लोगों ने ऐसा कोई वीडियो मेरे चैनल पर देखा नहीं है जिसमें वो कार POV यूज़ में दिख रहा हो, मगर बहुत जल्द उस टाइप के वीडियोस आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। GoPro एक्सेसरीज के नाम पे आई थिंक आई डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स, सब कुछ मेजरली यही दो चीज़ें, तीन चीज़ें थी। नाउ मेरे पास ये एक रोड का वीडियो माइक गो है जो कि अब कुछ 5-5.5 साल पुराना हो चुका है, ये उसकी केबल। एंड इस पर ये कॉपर टेपिंग है इफ़ यू आर वंडरिंग, क्योंकि ये माइक बहुत पुराना हो चुका है, काफ़ी यूज्ड अप भी है, तो इसमें एक अलग सी फ्रीक्वेंसीज आने लग गई थी जिनको अवॉइड करने के लिए हमने इस पर कॉपर टेपिंग करी हुई है, एंड इट्स स्टिल वर्किंग गुड, सो दैट्स रियली नाइस।
एक ये छोटा सा एक बॉक्स रखता हूँ मैं, मैंने कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं लिया है इस चीज़ के लिए, ऑल दो मैं चाहता हूँ कि एक वाटरप्रूफ केसिंग मैं लूँ इन कार्ड्स के लिए जस्ट टू बी एक्स्ट्रा श्योर विद दीज, बट फिलहाल के लिए ये प्लास्टिक बॉक्सेस में इस टाइप से मेरे SD कार्ड्स जो हैं वो रखे हुए हैं एंड एटलीस्ट ऑर्गेनाइज रहते हैं, एक जगह पर रहते हैं, विच इज़ वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. नाउ आई हैव सम क्लीनिंग इक्विपमेंट विद मी, ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पर हाँ ब्लोअर और कुछ माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स और दैट्स इट, थोड़ा सा लिक्विड वगैरह लेंसेज को क्लीन करने के लिए. मैं सेंसर्स क्लीन नहीं करता हूँ खुद से, डोंट थिंक कि उतना रिस्पॉन्सिबली मैं कर पाऊँगा. नाउ इस सेक्शन में मेरे पास अभी रहती हैं कुछ स्टेप अप रिंग्स, तो ये जो सारी हैं ये एक्स्ट्रा हैं बेसिकली, जो काम में आती है वो है इस जेब में. तो मैंने एक ही ऐसा प्लास्टिक का पीस मुझे मिल गया, उसमें मैंने ये एक स्टेप अप रिंग रखी हुई है ताकि मुझे उस पॉलीथीन में से ना निकलना पड़े एंड वो इस प्लास्टिक को भी हार्म ना करे. ये है मेरे 85EF के लिए, बिकॉज उसका जो थ्रेड है लेंस का वो थोड़ा सा एक साइज छोटा है, उसके लिए मैं ये 77-82mm स्टेप अप रिंग यूज़ करता हूँ. और मैं यूज़ किसके साथ करता हूँ वो भी मैं एक मिनट में दिखाता हूँ. पहले ये देख लो, ये टेप जो इस रोड के लिए है, मैंने अभी बताया था तुम लोगों को ये टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी वो निकल जाए तो जस्ट इन केस एक्स्ट्रा रखने में कोई दिक्कत नहीं है. नाउ ये जो स्टेप अप रिंग है ये बेसिकली इन फिल्टर्स के लिए है, आई हैव गॉट टू ऑफ देम. तो ये KNF कॉन्सेप्ट का ND फिल्टर है मेरे पास, आई कैन रियली रिकमेंड इट उतना ज़्यादा, पर इट्स गुड, डज द जॉब एंड मेरा काम तो फिलहाल इसमें चल ही रहा है. आई कैन शो यू, ये ND फिल्टर है एंड सी दिस. सो वेरिएबल ND, प्रीटी कॉमन स्टफ एंड क्या बोलते हैं, जितने भी वाटरफॉल वाले शूट्स मेरे तुम लोगों ने देखे होंगे अगर, तो वो बिना ND फिल्टर के पॉसिबल नहीं थे. नाउ आई हैव गॉट वन Amazon Basics का पोलराइजर एंड ये भी सर्कुलर है, ये भी मूव करता है, इसका इफेक्ट तुम लोग को ऐसे तो दिखेगा नहीं, बट ये दो फिल्टर्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ. जो RF 1535 है उसका लेंस का थ्रेड है 82mm, विच इज़ द बिगेस्ट इन एनी लेंस बेसिकली, तो ये दोनों जो है मैंने बिगेस्ट पॉसिबल साइज़ के ले लिए थे. उसके बाद जो छोटे लेंसेज हैं बेसिकली वो स्टेप अप रिंग्स यूज़ करके इन फिल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं. सो दैट वॉज द होल आइडिया. नाउ इस पॉकेट में मैं रखता हूँ एक्स्ट्रा बैटरीज R5 की, उसके अलावा GoPro की बैटरीज तो उसके बैग में ही हैं इंडिविजुअली, तो यहाँ पर और कुछ रहता नहीं है. ये जो दो पॉकेट्स हैं वैसे ही SD कार्ड्स के लिए हैं, ये यूज्ड SD कार्ड के लिए है, ये अनयूज्ड SD कार्ड के लिए है, पर इन दोनों में मैं एक एक सिक्का रखता हूँ, एक एक रुपये का. यू कैन सी ये बेसिकली है जो मेरा L माउंट है, क्या बोलते हैं L ब्रैकेट जो है मेरा R5 पर भी लगा हुआ है वर्टिकल फ़ोटोज़ लेने के लिए, उसकी जो प्लेट है उसको कसने के लिए मैंने ये कॉइन्स रखे हुए हैं. तो पेचकस भी रखता हूँ मैं, एक स्क्रू ड्राइवर भी रखता हूँ मेरे बैग में, पर उससे छोटा फॉर्म फैक्टर के लिए मैंने ये कॉइन्स रखे हुए हैं. काफ़ी हैंडी, तुम लोगों को भी रखना चाहिए, एक कॉइन रखने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बैग में कहीं पर भी डाल सकते हो एंड उससे प्लेट्स निकालना और कसना बहुत आसान हो जाता है. नाउ आई हैव सम थिंग्स मोर, प्लेट्स की बात करें अगर तो आई शो यू. तो ये जो फ्रंट पॉकेट है वैसे यूजुअली मैं इसमें अपना वॉलेट भी रख लेता हूँ जब मैं बिना किसी और बैग के ट्रैवल कर रहा होता हूँ, पर अदरवाइज़ ये मोस्टली ऐसे खाली रहता है. इसमें यहाँ पर एक लैपटॉप आ जाएगा एंड यहाँ पर मेरी दो प्लेट्स रखी हुई हैं, क्योंकि मैं L ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे अब कोई प्लेट लगाने की ज़रूरत नहीं है कैमरा पर मैं गोरिल्ला पॉड और मैन फोटो दोनों की प्लेट्स को यहाँ पर स्पेयर रखता हूँ जस्ट इन केस. नाउ मेरे पास यहाँ पर एक केबल है डेटा ट्रांसफ़र के लिए, तो ये R5 के साथ में आई थी, मैंने वही केबल रखी हुई है. इट्स रिकमेंडेड टू यूज़ द एक्चुअल केबल. तो ये है मेरा मैन फ्लोटो का छोटा सा किट, जिसमें तीन एक एलन कीज रखी हुई हैं उसकी लेग्स को कसने के लिए, और उसका जो प्लेट आती है वो थोड़ी सी यूनिक है, उसमें एलन की से वो कसता है तो उसके लिए, एंड उसके नीचे वाले प्लग्स जो कि रबराइज्ड प्लग्स हैं अगर मैं स्पाइक्स यूज़ ना करना चाहूँ तो ये उसके लिए है. तो दिस वॉज द पॉकेट फॉर दैट. नाउ जो मैंने स्क्रू ड्राइवर की बात कर रहा था वो यहाँ पर एक रखा हुआ है, पर इसका ना ये थोड़ा सा छोटा है मुँह और मैं इससे बड़ा स्क्रू ड्राइवर कैरी नहीं करना चाह रहा था, तो कभी कभार ये प्लेट कसने में दिक्कत करता है, दैट इज़ वाई द कॉइन.
लास्टली मैं यहाँ पर एक रेन कवर रखता हूँ जो कि इस वैनगार्ड के साथ में आया था, एंड इसको मैं एकदम हैंडी रखता हूँ एकदम फ्रंट में, ताकि मैं एकदम इमरजेंसी में इसको एक्सेस कर सकूँ और किसी और चीज़ को गीला ना करूँ. सो दैट वॉज मोस्टली इट. लेट मी क्लोज द बैग अप. तो ये जो बैग है इसमें यहाँ पर एक हिडन पॉकेट भी है हियर, वेरी नाइस फॉर डॉक्यूमेंट्स मे बी. एंड इसके साइड में यहाँ पर एक और स्लीव है लैपटॉप के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए. प्रिटी मच कोई से भी साइज़ का लैपटॉप आप इसमें डाल सकते हो बिकॉज बैग जो है बहुत बड़ा है. नाउ इसमें यहाँ अंदर ये वेस्ट स्ट्रैप्स से चले जाते हैं, इनको आप निकाल सकते हो और फिर आप इनको अपनी वेस्ट पर कस सकते हो जब आप बैग पहन लो, तो काफ़ी कुछ जो है वेट का लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऐसे में. तो या दिस वॉज माई कैमरा बैग एंड इट्स सेटअप. होप यू लाइक इट. एंड अगर तुमने भी कोई नया बैग लिया है एंड सिमिलर अमाउंट ऑफ गेयर, आई थिंक तुमको कुछ आइडिया तो मिला होगा कि किस टाइप से आप अपने गेयर को सेटअप कर सकते हो. तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये कंटिन्यूसली इन डेवलपमेंट होती हैं. जैसे जैसे आप गेयर ऐड करोगे, चीज़ें ऐड करोगे, जैसे मेरा GoPro Hero 9 हमेशा से नहीं था, वो जब आया तो मुझे उसके लिए जगह ऐड करनी पड़ी, तो ऐसे ही आपको भी करनी पड़ेगी. पर होपफुली इट वॉज अ लिटिल हेल्पफुल एंड आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड जिस तरह से अभी मैंने बैग को सेटअप किया हुआ है. नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी, आपने देखा होगा कि मेरा जो कैमरा रहता है वो एकदम सेंटर में रहता है इंस्टेड ऑफ बीइंग पुश्ड टिल हियर और यहाँ फिर एकदम ऊपर तक. वो इसलिए था क्योंकि पहले मैंने उसको यहाँ पे रखा हुआ था, एकदम वो बेस पे टकराता था एंड जो व्यू फाइंडर था उसका निशान पड़ने लग गया था यहाँ बेस पर. एंड इट वॉज़ वेरी रिस्की ऑल्सो क्योंकि आप बैग को कैसे भी रखोगे, पत्थरों पर रख सकते हो, चट्टानों पर रख सकते हो, इट वॉज़ वेरी रिस्की, इसलिए मैंने उसको बीच में प्लेस कर दिया है. That is pretty much it for this video. Hope you liked it and next video mein milta hu bahut jald. Comments karke batao ki kis type ka video dekhna hai and agar acha laga ho to please ek like drop kar dena and subscribe nahi kiya subscribe kar do. Also you can go and check out my website www.angelksaxena.com. wahan pe main apni sari high res images wagera upload karta hu. Follow me on Instagram, links are all in the description below and I'll see you in the next one. Thank you so much.